राष्ट्रपति बाइडेन, फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, उमंग और उत्साह से भरे हुए इंडियन अमेरिकन मेरे प्यारे साथियों, आप सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रपति बाइडेन के मित्रतापूर्ण स्वागत और दीर्घ दृष्टिपूर्ण संबोधन के लिए उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू प्रेसिडेंट बाइडेन फॉर योर फ्रेंडशिप। फ्रेंड्स, आज व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत समारोह के एक प्रकार से ये भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, 140 करोड़ देशवासियों का गौरव है। ये सम्मान अमेरिका में रहने वाले 4 मिलियन से अधिक भारतीय मूल के लोगों का भी सम्मान है। इस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का उनके प्रति हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, करीब 3 दशक पहले एक साधारण नागरिक के रूप में मैं अमेरिका यात्रा पर आया था और उस समय मैंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो मैं स्वयं तो कई बार यहां पर आया हूं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इंडियन अमेरिकन समुदाय के लिए व्हाइट हाउस के द्वार आज पहली बार खोले गए हैं। भारतीय समुदाय के लोग अपने टैलेंट, कर्मठता और निष्ठा से अमेरिका में भारत की शान बढ़ा रहे हैं। आप सब हमारे संबंधों की असली ताकत है। आज आपको दिए गए सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनका जितना धन्यवाद करो उतना कम है। फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका दोनों के समाज और व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। दोनों देशों के संविधान उसके पहले 3 शब्द और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने भी जिसका उल्लेख किया, वी द पीपल, हम दोनों देश अपनी विविधता पर गर्व करते हैं। हम सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय इस मूलभूत सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। पोस्ट कोविड काल में वर्ल्ड ऑर्डर एक नया रूप ले रहा है। इस कालखंड में भारत और अमेरिका की मित्रता पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में पूरक होगी। ग्लोबल गुड के लिए वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
हमारी मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेमोक्रेसी की ताकत का स्पष्ट प्रमाण है। फ्रेंड्स, अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति बाइडेन और मैं भारत अमेरिका संबंधों और अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह आज भी हमारी बातचीत बहुत सकारात्मक और उपयोगी रहेगी। आज दोपहर को मुझे यूएस कांग्रेस को एक बार फिर से संबोधित करने का अवसर मिलेगा। इस सम्मान के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मैं यही कामना करता हूं और 140 करोड़ भारतवासी भी यही कामना करते हैं कि भारत का तिरंगा और अमेरिका का स्टार एंड स्ट्राइप्स हमेशा नई ऊंचाइयां छूते रहे। राष्ट्रपति बाइडेन, डॉक्टर जिल बाइडेन, एक बार फिर आपके स्नेह भरे निमंत्रण के लिए, आपके गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपका और 140 करोड़ हिंदुस्तानवासियों की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, गॉड ब्लेस अमेरिका। बहुत बहुत धन्यवाद।